ये इसकी मेन एंट्री 34 की। बाकी ये है बाहर का मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने ब्लॉग की ज्योतिषर कुरुक्षेत्र, जो जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अभी पहुँच गए हम ज्योतिषर, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। अर्जुन को नहीं, सारी सृष्टि को ज्ञान करवाया था गीता का। हम वहीं खड़े हैं, ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान कराया था सभी को। आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, एंड वो जगह जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना विशालकाय स्वरूप दिखाया था अर्जुन को दिव्य दृष्टि से। तो चलो करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट और दिखाते हैं आपको एक भव्य एंड दिव्य स्थल। सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अमर वृक्ष, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। अभी हम खड़े हैं जहाँ वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पे अर्जुन के द्वारा मना करने पे कि युद्ध न करने पे, फिर अर्जुन ने कहा था कि मुझे युद्ध के सेंटर में न चलो, बीच में। अभी अर्जुन ने यहाँ पे अपने हथियार डाल दिए थे, फिर यहाँ इसी जगह श्री कृष्ण ने अपना रथ, ये उसी पोजिशन में वो प्रतिमा बनी हुई है जैसे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। ये वो वड़ वृक्ष है जिसे बोलते हैं अमृत वृक्ष, अमर अजर। और इधर चल रहा लाइव गीता ज्ञान, गीता पाठ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना करा था, तब श्री कृष्ण ने यहाँ पे खड़ाया था अर्जुन का रथ और यहाँ पे दिया था गीता ज्ञान। बाकी वृक्ष बहुत ही पुराना माना जाता है, 5000 साल पुराना। 5000 साल पहले यहीं पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। एंड इस वृक्ष को बहुत ही बार काटा गया मुगलों के राज में, फिर भी ये वापस उत्पन्न हो जाता है। तो इसे बोलते हैं अमृत वृक्ष, इसे बोलते हैं अमर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इस जगह का नाम है ज्योतिषर, तो ज्योतिषर का मतलब होता है ज्ञान सरोवर या ज्ञान, जहाँ पे ज्ञान की गंगा बहती हो या ज्ञान का उज्ज्वल हो, उसी हिसाब से यहाँ पे नाम रखा गया ज्योतिषर। बाकी ये बीज वृक्ष, एक ये रहा दो और एक इधर, तीन चार और पाँच, पांच वट वृक्ष हैं जो पांडुओं के नाम पे हैं। बाकी यहाँ से दिखता है इसका और व्यू सारा। यहाँ चल रहा है लाइव गीता पाठ। उसी हिसाब से प्रतिमा बना रखी है जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। गीता उपदेश, ये जगह श्री कृष्ण ने दिया था गीता का उपदेश, खड़ा करा था इसी पेड़ के नीचे और यहीं पे गीता का उपदेश दिया था और अपना विशालकाय स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, जो पास में बना हुआ वहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं उसी जगह, दिखाते हैं आपको श्री कृष्ण का विशालकाय स्वरूप जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाया गया था, उसकी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है।
बहुत ही विशालकाय मूर्ति बना रखी है। ये उसी के उपलक्ष्य में, जहाँ पे उसी के उपलक्ष्य में है जिससे श्री कृष्ण ने अपना विशालकाय स्वरूप दिखाया था, उसी हिसाब से ये विशालकाय मूर्ति बना रखी है यहाँ पे। और माना जाता है कि यहीं पे ही अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपना विशालकाय स्वरूप दिखाया था। बाकी बोलते हैं कि ये करोड़ों रुपए की मूर्ति है, लागत इसकी करोड़ों रुपए की है। बाकी यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है, दिखाते हैं आपको। वासुकी नाग का चित्र बना रखा है। फिर आगे सी है लोइन वेदव्यास जी। इस जगह की खोज श्री वेदव्यास जी ने की थी अपनी दिव्य दृष्टि से। प्रहलाद, राम, बृहस्पति, अर्जुन, शुक्राचार्य, भृगु, बाकी यहाँ पे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, गीता ज्ञान के उपदेश वगैरह जो अपने को नहीं आता पढ़ना। बाकी आपको दिखाते हैं इसका चारों तरफ से व्यू, बहुत ही बड़ा है। कैमरे में तो आ भी नहीं रहा इतना बड़ा है। ये देखो बैक साइड से, गार्डन बना रखा है बहुत ही अच्छा चारों तरफ। और इधर एक सरोवर बना रखा है, सरोवर में होता है प्रोजेक्टर से शो चलता है, नाइट को नाइट शो होता है, 6 से शायद 8 के समथिंग या 9 के समथिंग ऐसे ही, जिसमें पूरी गीता ज्ञान दिया जाता है। इसमें सरोवर दिखाते हैं आपको, चलो बहुत आ रखे कर्नाटक साइड नॉर्थ, उधर अदर स्टेट के बंदे बहुत हैं जिसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। ये है वो सरोवर जहाँ पे प्रोजेक्टर से गीता ज्ञान करवाया जाता है या प्रोजेक्टर से गीता दिखाई जाती है। जिस तरीके से अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, उसी हिसाब से ये प्रोजेक्टर लगा रखे हैं बीच में सेंटर में। 2-3 यहाँ पे शो होता है, बहुत ही अच्छा। बाकी मौसम और ख़राब, बारिश आ सकती है कभी भी। लाइक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। वो रहा अमर वृक्ष, ये विशालकाय मूर्ति बनी हुई है बहुत ही अच्छी। और बाकी इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी मंदिर का निर्माण चल रहा है, बहुत ही अच्छा। आपको फ्रंट से दिखाते हैं दोबारा से घूम के आके, चलो करते हैं स्टार्ट फ्रंट से। कि हम घूम रहे हैं इसके गार्डन एरिया में। बाकी ये पीछे सरोवर बना हुआ है बहुत ही अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्टर द्वारा शाम को शो किया जाता है। जैसे गीता ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, उसी हिसाब से यहाँ पे शो करा जाता है कि किस हिसाब से दिया था, कैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस हिसाब से उसको दर्शाया जाता है यहाँ पे प्रोजेक्टर द्वारा साथ में। तो और व्यू दिखाते हैं यहाँ से, ये सिटिंग बनी हुई है जो शो चलता है रात को, यहाँ पे बैठ के देखते हैं बंदे आराम से। यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है पास में ही। बाकी यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये वही वृक्ष है, ये माना जाता है कि 5,000 साल पुराना वृक्ष है। जब महाभारत के टाइम श्री कृष्ण ने यहाँ पे उपदेश दिया था, इसी पेड़ के नीचे रथ खड़ा करा था अपना, और अर्जुन को अपने दिव्य दृष्टि से अपने स्वरूप के दर्शन करवाए थे, बाकी गीता का ज्ञान करवाया था। बाकी इस वृक्ष को मुगलों द्वारा बहुत बार काटा गया, उसके बाद में भी ये वापस उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं अमर वृक्ष, इसको अमर वृक्ष भी बोला जाता है। बाकी आपको दर्शन कराते हैं चारों ओर घुमा के। ये और व्यू है इसका, ये सिटिंग बनी हुई है यहाँ पे बहुत ही अच्छी। बाकी पास में गार्डन है, एक प्रोजेक्टर के लिए जगह बनी हुई है छोटी सी। साल का मूर्ति वो दिख रही है आपको पास से, तो वो कवर भी नहीं होती अपने फ़ोन में। बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी हुई है, 108 फीट है, पता नहीं कितनी फुट है, और इसकी लागत करोड़ों में है।
बहुत ही साफ़ सुथरा एंड क्लीन एंड नीट बना रखा है, बहुत ही अच्छा। घूम के आए हैं वहाँ से आउटर एरिया से और अभी जा रहे हैं वापस, आपको शुरू से दर्शन कराते हैं वापस उसी जगह के। वो वट वृक्ष है, एक ये है, एक इसके बगल में है। अभी होने लगी यहाँ पे बरसात, तो हम बैठे हैं यहाँ पे सरोवर के पास में। अभी सरोवर के पास का व्यू बहुत ही शानदार है इधर का। ये अपने पीछे बना हुआ है ये महाभारत की झांकी वाला, यहाँ पे झांकी बनी हुई है। बाकी इधर समाधि स्थल बने हुए हैं, वो दिखाते हैं आपको, जहाँ पे गुरुओं ने यहाँ पे समाधि ली थी। ये है समाधि स्थल यहाँ पे। समाधि मंदिर यहाँ पे श्री स्वामी सत्यानंद महाराज जी ने समाधि ली थी यहाँ पे। और एक आगे है समाधि स्थल, वो भी दिखाते हैं आपको। ये है शायद सत्यानंद जी, शायद सरस्वती, शायद स्वामी हीरानंद जी सरस्वती ने भी समाधि ली थी। एक समाधि स्थल वहाँ पे बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से भीष्म कुंड, अभी दिखाते हैं आपको महात्मा भीष्म का वध हुआ था वो जगह, लेके चलते हैं आपको वहीं पे। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।